पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, फायर। ये तो डायलॉग आपने सुना ही होगा, यह डायलॉग पुष्पा फिल्म की है, जहां पर अल्लू अर्जुन यह डायलॉग बोला करते थे। बता दे आपको कि अल्लू अर्जुन पुष्पा फिल्म में जिस तरीके से लकड़ी सप्लाई करते हैं, उसी के तर्ज पर अब बिहार में उत्तर प्रदेश से शराब सप्लाई करवाया जा रहा है, किया जा रहा है। यूपी के देवरिया जिले से खबर निकल के सामने आ रही है, जहां लौर पुलिस ने शराब तस्करी के अनोखे तरीके का खुलासा करते हुए लाखों की शराब बरामद की है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा की तर्ज पर यहां से कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी से ड्राई स्टेट बिहार शराब की सप्लाई की जा रही थी। हालांकि आखिरकार पुलिस की मुस्तैदी की वजह से सातिर तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, तो वहीं काफी मात्रा में शराब पकड़ा गया है। दरअसल बिहार राज्य की सीमा पर स्थिति जो है लाचार दिख रही है, तो वहीं जो बिहार राज्य की सीमा है स्थित लौर थाना, वहां पर जो है कहीं ना कहीं मैजिक वैन पकड़ा है, जहां पर शराब तस्कर शराब लाद कर ला रहे थे। तो वहीं यह शराब जो है डल्ले के ऊपर कुछ और रखा था, और नीचे में देखा जाए तो एक बॉक्स बना था, और जहां पर अच्छे खासे शराब रखे हुए थे। क्षेत्र के मैरानिया चेक पोस्ट पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को एक मैजिक गाड़ी पर किसान का सामान लदा हुआ दिखा। इसके बाद जो है गाड़ी को रोककर चेकिंग की गई, तो कुछ शक हुआ पुलिस को, जिसके बाद जांच पड़ताल में डाला के नीचे एक तहखाना मिला, जिसमें देखा जाए तो 25 पेटी अवैध शराब जो है रखी गई थी। वहीं यह शराब देवरिया से बिहार राज्य में जो है तस्करी की जाने वाली थी, लेकिन देखा जाए तो पुलिस ने तस्करों के सुबह पर पानी फेर दिया। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, और इसको देखते हुए पुष्पा फिल्म के तर्ज पर अब शराब भी सप्लाई करवाया जा रहा है, शराब सप्लाई जो है कहीं ना कहीं किया भी जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में जो है बिहार राज्य के रहने वाले संतोष महतो को अरेस्ट किया है। तो वहीं संतोष महतो इसी तरीके से लगातार बिहार में शराब सप्लाई करता था, तो वहीं लाखों की अवैध शराब के साथ गाड़ी को भी सीज कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। इन अनोखी तस्करी का जो है कहीं ना कहीं पुलिस भी देखकर जो है परेशान हो गए, हैरान हो गए, क्योंकि देखा जाए तो इस तरीके का अगर कार्य हो रहा है बिहार में तो कैसे हो रहा है। तो बता दें आपको कि बिहार में जिस तरीके से 2016 से शराबबंदी कानून लागू है नीतीश कुमार का, उनके शराबबंदी कानून पर जो है कहीं ना कहीं लोग पानी फेर रहे हैं, तो वहीं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं पुलिस ने इस मामले में जो है बिहार राज्य के रहने वाले संतोष महतो को अरेस्ट करते हुए तमाम जानकारियां दी है। तो वहीं पुलिस को शक हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग किया, और चेकिंग के दौरान मैजिक गाड़ी के अंदर तहखाना बना हुआ था, और जिसमें 25 पेटी अवैध शराब रखी हुई थी, और जिसको बिहार लाया जा रहा था। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या बिहार में सच में पूर्णतः शराबबंदी कानून लागू होता है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून सफल होता है, क्योंकि देखा जाए तो पुष्पा फिल्म में लगातार जो है पुलिस के आंख में धूल झोंक कर लकड़ी सप्लाई किया जाता था, लेकिन बिहार में देखा जाए अब तो पुलिस के आंख में धूल झोंक कर शराब सप्लाई किया जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णतः बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर पाते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।